डीएसपी संगड़ा ने कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए किया बस अड्डा बाजार का निरीक्षण। दुकानदार तथा ढाबा धारकों को दिए कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करने के निर्देश। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह द्वारा कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार साय बस अड्डा बाजार संगड़ा का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ थाना प्रभारी मेहर चंद तथा कर्फ्यू ड्यूटी पर तैनात जवान भी दिखे। डीएसपी द्वारा ढाबा धारकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए टेक अवे सर्विस अथवा पैक्ड लंच लोगों को दिए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को पहले ही तय समय पर दुकानें बंद करने तथा कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा चुका है। उपमंडलीय पुलिस अधिकारी संगड़ा शक्ति सिंह ने दुकानदारों तथा आम लोगों से कोरोना कर्फ्यू में पुलिस का सहयोग करने तथा कोविड गाइडलाइन व प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। अवैध रूप से शराब बेचने के लिए डीएसपी संगड़ा ने किया सेल्समैन का 5,000 का चालान। कर्फ्यू के दौरान शराब बेचने के लिए पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही। बस अड्डा बाजार सांगड़ा में मौजूद शराब के ठेके के सेल्समैन द्वारा अवैध रूप से शराब बेचे जाने के लिए डीएसपी द्वारा 5,000 का चालान किया गया। शनिवार साय डीएसपी शक्ति सिंह द्वारा बाजार में गश्त किए जाने के दौरान उक्त शख्स अवैध शराब बेचता पकड़ा गया। शराब खरीदने वालों की माने तो यहां सभी तरह की वाइन निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर भी बिक रही है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान डीएम सिरमौर अथवा प्रदेश सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए के जाने के बावजूद यहां अवैध बिक्री का गोरख धंधा चल रहा था। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि अवैध रूप से शराब बेचने के लिए शराब की दुकान के सेल्समैन का 5,000 का चालान किया गया। उन्होंने कहा कि डीएम सिरमौर के आदेशों अथवा कर्फ्यू के नियमों की अवहेलना के लिए पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। डीएसपी ने क्षेत्रवासियों से कोरोना कर्फ्यू के सभी नियमों का पालन करने की भी अपील की। मास्क न पहनने तथा वाहन अधिनियम की अवहेलना करने वालों पर संगड़ा पुलिस ने कसा शिकंजा। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी कर रही है पुलिस। उपमंडल मुख्यालय सांगड़ा में मास्क ना पहनने वालों पर पुलिस पैनी नजर रखी हुई है तथा आज सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाए गए 2 लोगों के चालान किए गए। शनिवार को इन लोगों से पुलिस द्वारा क्रमशः 500-500 रुपये की जुर्माना राशि भी वसूल की गई। इसके अलावा समाचार प्रसारित किए जाने तक पुलिस द्वारा एमबीएक्ट की वॉयलेशन के लिए कुल 6 चालकों के चालान किए गए तथा 1,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई। इलाके में बढ़ते कोरोना संक्रमण अथवा कोविड पॉजिटिविटी दर 50% से ऊपर पहुंचने के चलते पुलिस द्वारा लगातार लोगों को कोविड प्रोटोकॉल, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा वाहन अधिनियम के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। डीएसपी संगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि आज सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने के लिए 2 तथा वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए 6 लोगों के चालान किए गए। संगड़ा में आज 18 में से 11 लोग पाए गए कोविड पॉजिटिव। क्षेत्र में 50% से कम नहीं हो रही है कोविड पॉजिटिविटी रेट। स्वास्थ्य खंड संगड़ा में शनिवार को हुए कुल 18 रैपिड एंटीजन टेस्ट में से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इलाके में कोविड पॉजिटिविटी दर 50% से कम नहीं हो रही है और यहां लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग चिंतित है। इससे पूर्व शुक्रवार को क्षेत्र में 11 में से 8 इससे पूर्व शुक्रवार को क्षेत्र में हुए कुल 11 आरएटी सैंपल में से 8, गुरुवार को 31 में से 15 तथा बुधवार को 47 में से 25 पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य खंड सांगड़ा में कोरोना पॉजिटिविटी दर हिमाचल की औसत दर से कहीं ज्यादा होने के बावजूद उपमंडल मुख्यालय पर मौजूद सीएससी सांगड़ा में जहाँ केवल 2 डॉक्टर मौजूद है, वहीं 108 एम्बुलेंस सेवा पिछले 3 माह से बंद है। करीब 90,000 की आबादी वाले स्वास्थ्य खंड सांगड़ा के केवल संगड़ा अस्पताल में ही कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड मौजूद है और यहाँ मौजूद केवल 2 डॉक्टर कोविड मरीजों के साथ साथ सामान्य मरीजों अथवा ओपीडी में आने वाले लोगों का भी इलाज कर रहे हैं। एसडीएम संगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी द्वारा डीएम सिरमौर के निर्देशानुसार जहाँ कोविड मरीजों के लिए एक निजी गाड़ी हायर कर विशेष एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, वहीं पुराने तहसील कार्यालय में 10-बेडेड आइसोलेशन अथवा क्वारंटीन सेंटर भी शुरू किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को पॉजिटिव पाए गए 11 लोगों में से सबसे ज्यादा 5 लोग हरिपुर धार उप तहसील के गांव शीलान तथा 3 खड़ा से है। अन्य मरीज चोकर देवा मानल तथा नौराधार से है। कार्यवाहक बीएमओ संगठन डॉक्टर कृष्णा भट्टागर ने आज 11 मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इलाके में खाली पड़े स्वास्थ्य कर्मियों व अधिकारियों के पदों को लेकर समय समय पर विभाग द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है। एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बस अड्डा बाजार संगड़ा को किया गया सैनिटाइज। बैंकों तथा दुकानों के बाहर किया गया सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। उपमंडल मुख्यालय सांगड़ा में शनिवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा बस अड्डा बाजार को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैंकों व दुकानों के बाहर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इलाके में कोरोना पॉजिटिविटी दर 50% से ज्यादा होने तथा बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते एनएसयूआई व युवा कांग्रेस कार्यकर्ता चिंतित है। मुख्य बाजार के अलावा एनएसयूआई व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को
राजकीय महाविद्यालय के साथ लगते गांव जाओ का आधार तथा अंधेरी को भी सैनिटाइज किया गया। एनएसयूआई तथा युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले वह माइना, बाउनल, रजाना आदि पंचायतों को भी सैनिटाइज कर चुके हैं। कोरोना काल में अपने गांव माइना में खेत जोतने में व्यस्त हुए विधायक विनय कुमार, छुट्टियों के चलते सब परिवार कर रहे हैं परंपरागत खेती। कोरोना कर्फ्यू अथवा विभिन्न सरकारी संस्थानों में छुट्टियों के चलते इन दिनों क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विनय कुमार अपने गांव माइना में खेतों की जुताई का काम कर रहे हैं। उपमंडल संगड़ा में इन दिनों लोग खरीफ की फसल के लिए अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। इलाके में कुछ लोग हालांकि पावर वीडर और पावर ट्रिलर आदि आधुनिक मशीनों से भी खेती कर रहे हैं, मगर अधिकतर किसान आज भी बैलों से परंपरागत ढंग से खेत जोतते हैं। उपमंडल संगड़ा के गांव माइना बाग में इन दिनों विधायक विनय कुमार के परिवार के अन्य सदस्य भी खेती के काम में व्यस्त देखे जा रहे हैं। इन दिनों विधायक जहां खेती कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे बनी एनएसयूआई छात्रों के साथ क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों के सैनिटाइजेशन के काम में लगे हैं।